16वां ऑटो एक्सपो कंपोनेंट शो दिल्ली में होने जा रहा है, जिसमें 15 देशों की 800 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। करीब 1400 नए प्रोडक्ट्स इसमें प्रदर्शित किए जाएंगे। और क्या खास होगा इसमें खास, और ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री के सामने कौन से नए मौके हैं और क्या चुनौतियां हैं, इन सब मुद्दों पर इटना स्वदेश संवाददाता समीर दीक्षित ने सोना कॉम्पटर के चेयरमैन और ACMA प्रेसिडेंट संजय कपूर से खास बातचीत की। में हमारे साथ संजय कपूर, प्रेसिडेंट एक्मा और चेयरमैन सोना कॉमस्टा हमारे साथ हैं। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल यही कि ऑटो एक्सपो कंपोनेंट शो 3 साल बाद होने जा रहा है, काफ़ी निगाहें टिकी होंगी, इस बार क्या खास रहने वाला है? तो इस बार काफ़ी फोकस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे होगा। वी हैव 800 कंपनीज, 800 कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और काफ़ी बड़ा होने वाला है ये शो, और बहुत ही टेक्नोलॉजी इनोवेशन, प्रोडक्ट इनोवेशन, प्रोसेस इनोवेशन, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज, टेलीमैटिक्स, सेंसर्स, कनेक्टिविटी, ये सब में काफ़ी आप देख सकोगे काफ़ी नए प्रोडक्ट्स, और जो 3 साल में कंपोनेंट कंपनीज ने इन्वेस्ट किया है, जो डिसरप्शन हुई है इंडस्ट्री में, और इन डिसरप्शंस और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं कंपनीज में, अब ये देख सकोगे। तो वी आर वेरी एक्साइटेड, काफ़ी एक्साइटेड हैं हम इस बार ऑटो एक्सपो के बारे में, और काफ़ी विजिटर्स होंगे, विजिटर्स बाहर से भी आएंगे, और काफ़ी पार्टनर कंट्रीज हैं, तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज और होपफुली टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भी होंगे, जॉइंट वेंचर अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगे। सर, इस बार 1400 से ज़्यादा जो नए प्रोडक्ट या जो टेक्नोलॉजी जो शोकेस की जाएंगी, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फोकस इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट पे है। आपका एनालिसिस क्या कहता है कि इस साल या आने वाले 4-5 सालों में इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री, ये पूरी इंडस्ट्री किस तरीके से शेपअप करने वाली है? अगर आप देखोगे ग्लोबली काफ़ी ईवी में काफ़ी फोकस है, और ये ग्लोबल ट्रेंड है, और देयरफॉर मोर कंपनीज आर इन्वेस्टिंग इन ईवी, नॉट जस्ट फॉर सप्लाई इन इंडिया, लेकिन एक्सपोर्ट के लिए भी। सो आप देखोगे कि काफ़ी इन्वेस्टमेंट आएंगे ईवी में, लेकिन ईवी को आप देखोगे तो अल्टरनेट फ्यूल्स भी देखने पड़ेंगे। हाइड्रोजन की पॉलिसी अभी अनाउंस हुई है, एथेनॉल, हाइड्रोजन, सो ये यू नो अल्टरनेट फ्यूल्स में भी काफ़ी फोकस आएगा इंडिया में। तो आपको हमको देखनी पड़ेगी कैसे ये यू नो ये हाउ दिस लैंडस्केप शेप्स अप। बड़ी दिलचस्प बात है संजय जी कि चाइना का पार्टिसिपेशन इस बार बिल्कुल ना के बराबर है। अभी तक जहां हम बहुत सी चीज़ों के इंपोर्ट के लिए उस कंट्री का रुख करते थे, इस बार एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम कदम बढ़ा रहे हैं। इसमें कंपोनेंट इंडस्ट्री या सोना कॉमस्टार, वो किस तरीके से देख रही है कि हम अपने स्केल को कैसे और बढ़ा सकते हैं, या एक्सपोर्ट फ्रंट पे किस तरीके से अपना रोल देख रही है? तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक एक्सपोर्ट की अपॉर्चुनिटी जैसे आपने बोला है, और दूसरी लोकलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है, ताकि वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो लोकलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बड़ी है, और हमें टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप देखोगे अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स इम्पोर्ट करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉनिक्स को लोकलाइज करने में काफ़ी एफर्ट्स जा रहे हैं। एक्मा, CM, OEMs, गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, वी आर ऑल वर्किंग टूगेदर टू see how we can benefit from design and manufacturing of local electronics. और अगर आप मेक इन इंडिया देखोगे, आपको डिज़ाइन इन इंडिया भी देखना पड़ेगा, ये भी बहुत ही essential होगा। सर, पूरी जो कॉम्पोनेंट इंडस्ट्री है वो एक चीज़ से सबसे ज़्यादा परेशान होती है, वो होती है फेक प्रोडक्ट या उसके सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट या उसका जो नकली प्रोडक्ट रहता है। वो लगातार हमने देखा कि आपने इसके लिए एज एन इंडस्ट्री होल आपने कई बार आवाज़ उठाई है। इस बार किस तरीके से आपको लगता है ना कि जिस तरीके से डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो इस सेगमेंट पे, इस इशू पर क्या कुछ और हो सकता है? तो आपने ये राइट वर्ड बोला है, नई टेक्नोलॉजीज जो आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजीज विल बी एबल टू आइडेंटिफाई फेक फ्रॉम द रियल। काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रही हैं, वेदर दे बी बारकोडिंग और दे बी यू नो रीडिंग ऑफ पार्ट्स मेड फ्रॉम द सप्लायर एंड, तो काफ़ी टेक्नोलॉजीज इन्वेस्ट हो रही हैं। और आप ये भी देखोगे एक्चुअली ऑटो एक्सपो में, UP के CM योगी आदित्यनाथ मिशन निवेश के लिए मुंबई में हैं।